प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार दोस्तों। बाइबल की 66 पुस्तकों में पहली पुस्तक से आज हम परिचय चालू कर रहे हैं और इन 66 पुस्तकों का परिचय हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कुछ बिंदुओं के आधार पर देंगे। ये बिंदु पहले मैं आपको बता दूं, लगभग हर पुस्तक के परिचय के लिए हम लगभग इन सभी बिंदुओं का उपयोग करेंगे। कुछ में ज़्यादा कुछ में कम, वो पुस्तक के ऊपर आधारित होगा। पहले तो हम पुस्तक का एक परिचय देंगे, उसके बाद पुस्तक की विशेषता या वो पुस्तक क्यों अद्वितीय है उसके बारे में बताएंगे। फिर पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, उसके बाद ये पुस्तक क्यों लिखी गई, और फिर हम देखेंगे कि किसने लिखा, उसके लिखने की क्या पृष्ठभूमि थी, और उसके बाद हम देखेंगे कि कब लिखा गया और किस काल का इतिहास हम इस पुस्तक में देखते हैं। इतनी बातें देखने के बाद हम पुस्तक की एक रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा देखने के बाद सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ हमने इस महान पुस्तक के बारे में जो देखा, वो हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है या स्पर्श करता है, हमारे जीवन के लिए उसमें से क्या पाठ मिलते हैं। जरूरी हुआ तो पुरातत्व शास्त्र में उस पुस्तक के बारे में जो जानकारियां मिली है उसके बारे में भी हम देखेंगे। उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले देखें, हम सब इस बात को जानते हैं कि बाइबल की पहली पुस्तक है उत्पत्ति। इसका नाम उत्पत्ति इसलिए रखा गया है कि वो इस विश्व और उसके अलावा जो इस पृथ्वी पर जीवी है उन सब की उत्पत्ति के बारे में बताता है। सवाल यह है कि बाइबल की 66 पुस्तकों में उत्पत्ति की क्या विशेषता है। बहुत अधिक है। बाइबल की 66 पुस्तकें अलग अलग विषयों के बारे में बोलती हैं, लेकिन इस विश्व की सृष्टि किसने की, कब की, कैसे की और क्या क्या किया, आरंभ कैसे किया, आरंभ से बातें आगे कैसे बढ़ी, ये सब हम इस पुस्तक में देखते हैं। पुस्तक का मुख्य लक्ष्य क्या है? पुस्तक का मुख्य लक्ष्य यह है कि एक सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति अपने प्रेम को किस तरह से प्रकट किया। हम बार बार इस पुस्तक में ये देखेंगे कि मनुष्य के लिए जो कुछ चाहिए प्रभु ने सब का इंतजाम किया और मनुष्य को दिया। मनुष्य की योग्यता के कारण नहीं, उसके गुणों के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया के कारण। इस पुस्तक की रचना प्रभु के महान नायक मूसा ने की। बाइबल में कई पोर्शंस ऐसे हैं जहां पर हमको ये सूचना मिलती है कि इसकी रचना मूसा ने की है। प्रभु यीशु ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि इस पुस्तक की रचना मूसा ने की थी। मूसा ने इस पुस्तक की रचना जंगल के जो 40 साल थे या मरुभूमि के जो 40 साल थे उसके आरंभ काल में किया। मिस्र देश से 20 से 30 लाख लोगों को छुड़ाकर या उनकी गुलामी से छुड़ाकर कनान देश को जब ये महान नायक ले गया, तो इस महान नायक के पास पर्याप्त समय था कि वो कितनी किताबें चाहे उतनी किताबें लिख सके। उसने जो सबसे पहली पुस्तक लिखी वो है अय्यूब, जो कि काव्य है इसलिए भजन के साथ चला गया है। उसके बाद इस पुस्तक की रचना की जिसमें परमेश्वर की सृष्टि के आरंभ के बारे में और आगे क्या हुआ ये बातें बताई गई हैं। आप पूछेंगे कब लिखा गया? लगभग 1450 ईस्वी के आसपास। मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पहले भी मैं आपको याद दिला चुका हूँ कि बाइबल में कैलेंडर वगैरह के बारे में अभी भी अध्ययन चल रहा है, क्योंकि हर संस्कृति अलग अलग प्रकार के कैलेंडर उपयोग में लाता है
और इन कैलेंडरों में आपस में तालमेल बैठाना एक बहुत कठिन कार्य है, लेकिन इतना तालमेल अब बैठ चुका है कि हम आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि 1450 के आसपास वो लोग मिस्र देश से बाहर निकले थे, और निकलने के तुरंत बाद मूसा को ये पुस्तक लिखने के लिए समय मिला और मूसा ने इस पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में लगभग 2500 के आसपास सालों का इतिहास मिलता है, 2500 से कुछ कम है, लेकिन याद रखने के लिए 2500 आसान है। तो आज से 3500 के करीब साल पहले प्रभु के महान नायक ने सृष्टि से लेकर या अनादिकाल से सृष्टि और उसके बाद सृष्टि जब से काल की गणना शुरू हुई, सृष्टि से लगभग 2500 साल का इतिहास लिखा है। इस पुस्तक का या पुस्तक की रूपरेखा वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। कुल मिला के 50 अध्याय हैं और इसलिए जो कोई इसको पढ़ता है एक नज़र में वो इसकी रूपरेखा नहीं समझ पाता है, लेकिन एक चार पांच बार आप पढ़ेंगे तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि एक बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा इस पुस्तक में है। 50 अध्यायों में से शुरू के 11 अध्याय चार मुख्य घटनाओं के आसपास केंद्रित है, तो इसलिए 11 अध्याय घटना केंद्रित, और बाद में जो 39 अध्याय बचते हैं वे व्यक्ति केंद्रित है, क्योंकि उन अध्यायों में चार लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पुस्तक को दो भागों में बांटा जा सकता है। पुस्तक का पूर्वार्ध 11 अध्यायों का चार घटनाओं के आसपास घूमता है या घूमते हैं, और बाकी जो 39 अध्याय हैं वो चार व्यक्तियों के आसपास घूमते हैं। तो सवाल यह है कि ये चार घटनाएं कौन सी हैं और ये चार व्यक्ति कौन से हैं। पहले चार घटनाओं को ले लेते हैं। शुरू के 11 अध्यायों में सबसे पहले हम सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, फिर मनुष्य के पतन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद एक महान जल प्रलय के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद मनुष्य किस तरह से विभिन्न जातियों में या राष्ट्रों में बट गया इसके बारे में पढ़ते हैं। ये चार महान घटनाएं हैं। उसके बाद हम चार महान नायकों के बारे में पढ़ते हैं 39 अध्यायों में। पहला है इब्राहिम, दूसरा है इसाक, तीसरा है याकूब और चौथा है यूसुफ। तो इस तरह से उत्पत्ति में उसका जो पूर्वार्ध है उसमें चार घटनाओं के बारे में और उत्तरार्ध में चार व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वार्ध में सारी मानव जाति की चर्चा की गई है, जबकि उत्तरार्ध में यहूदी जाति की चर्चा की गई है। इसका कारण है, मानव जाति ने जब ईश्वर से बलवा किया, परमेश्वर से जब वो अलग हो गया, तो परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं एक मुक्तिदाता भेजूंगा। मुक्तिदाता चूंकि मनुष्य के चोले में आएगा, इसलिए हर तरह से उसका निष्कलंक और निष्पाप होना जरूरी है, लेकिन मनुष्य जाति हमेशा ही गड़बड़ करती रहती है, पापों में फंसती है, अपने आप को कलुषित करती है, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति में से एक परिवार को चुना, बल्कि एक व्यक्ति को चुना, ऐसा कह सकते हैं, इब्राहिम को। इब्राहिम के बेटों में से इसहाक को चुना, इसहाक के बेटों में से याकूब को चुना, याकूब के जो 12 बेटे थे उसमें से यूसुफ को चुना, और इस तरह से परमेश्वर ने भक्त लोगों की एक पूरी कड़ी इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु के समय तक बनाई, एक ऐसा परिवार या एक ऐसा वंश जिसमें प्रभु यीशु जन्म ले सके। तो वो जो प्रभु ने अपने लिए एक विशेष समूह को चुन लिया, एक विशेष परिवार को चुन लिया, वो इतिहास हम 39 अध्याय में देखते हैं। तो पहले पूर्वार्ध में मनुष्य जाति के बारे में, उत्तरार्ध में इब्रानी जाति के या यहूदी जाति के बारे में, क्योंकि यहूदियों के पूर्वज हुए हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। ये जो लगभग 2500 साल की घटनाएं हैं, ये एक जगह नहीं घटी, ये कम से कम तीन अलग अलग जगह पर घटी हैं।
मानव जाति का इतिहास या शुरू के 11 अध्याय में हम जो इतिहास देखते हैं वो आजकल ईरान और इराक जो इलाका है उसके आसपास काफ़ी फैलाव लिए हुए वहाँ पर मनुष्य की सृष्टि हुई थी। और पुरावस्तु शास्त्र से हमको ये सूचना मिलती है कि यही इलाका है जहाँ पर मनुष्य ने बाबुल का गुम्मट बनाने की कोशिश की थी, बल्कि एक ऐसा गुम्मट तहस नहस अवस्था में एक ऐसा गुम्मट वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है जिसके नींव पर एक पत्थर पर बाकायदा उस नींव उस गुम्मट का इतिहास लिखा है जो परमेश्वर के वचन में बाबुल के गुम्मट बनाने के इतिहास से मेल खाता है। तो शुरू के 11 अध्यायों में या पूर्वार्ध में मनुष्य जाति का इतिहास ईरान इराक और उस इलाके में घटी। उसके बाद इब्राहिम इसहाक और याकूब का जो चरित्र है वो आजकल हम जिसे कनान नाम से जानते हैं उस जगह पर घटी। आधुनिक हिसाब से कहा जाए तो इस समय जो इसराइल देश है वो और उसके आसपास का काफ़ी प्रदेश कनान में आता है। तो इब्राहिम इसहाक और याकूब की घटना वहाँ पर घटी। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, इस कारण आखिरी कुछ अध्यायों में यूसुफ का जीवन हम जो देखते हैं वो सारी घटनाएं मिस्र देश में घटी। तो इस तरह से तीन अलग अलग प्रदेशों में जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं वहां पर ये सारी घटनाएं घटी और ये 50 अध्याय हमको 2500 साल का इतिहास देता है। सवाल यह है कि बाइबल में ये जो 2500 साल का इतिहास उत्पत्ति में हमको मिलता है उससे हमको क्या पाठ मिलता है? बहुत सारे पाठ मिलते हैं, लेकिन सारे पाठों को एक साथ मैंने तीन बिंदुओं में केंद्रित करके शुरू से आपको बताया था कि हर जगह हम परमेश्वर की दया और उसके कारण परमेश्वर का इंतजाम देखते हैं। मनुष्य को जो कुछ चाहिए उसका इंतजाम परमेश्वर करते हैं और इंतजाम करने के बाद वो सब कुछ मनुष्य को प्रदान कर देते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि मनुष्य प्रभु से मिली हुई हर चीज़ का भरपूर उपयोग करता है, बल्कि शोषण करता है ऐसा कहना चाहिए, लेकिन प्रभु से मिली हुई हर चीज़ के शोषण करने के बाद उसको जरा सी परेशानी हो या गलती करने का जरा सा अवसर मिलता है तो इमीडिएटली वो प्रभु को धिक्कार के पाप में फंस जाता है। और जब वो पाप में फंस जाता है तो फिर उसको उसकी सजा मिलती है। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। जब उसको पाप की सजा मिलती है तो तुरंत वो रोते गाते परमेश्वर के पास पहुंचता है। प्रभु अति करुणामय और दयालु है और इस कारण जब भी मनुष्य पाप और लंघन करने के बाद प्रभु से बलवा करने के बाद अपने किए हुए के फल को देखता है तो और जब भी वो प्रभु के पास वापस जाता है प्रभु उसके ऊपर अपनी करुणा दिखाते हैं। उत्पत्ति से ही कुछ घटनाओं को चुनकर मैं आपको याद दिलाऊं। उदाहरण के लिए आदम और हव्वा के लिए इस सारे विश्व में सबसे महान बागान का इंतजाम परमेश्वर ने किया जहां मनुष्य को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बस प्रभु ने सिर्फ उससे एक बात कही थी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम हाथ ना लगाना, मतलब खाना नहीं। लेकिन पहला जो मौका मिला उस मौके पे हव्वा ने भी प्रभु की आज्ञा का लंघन किया, आदम ने भी आज्ञा का लंघन किया और उसके बाद जब उनको अपनी नग्नता के ऊपर लज्जा हुई तो उन्होंने पत्तों से अपने लिए लंगोट बना लिए। प्रभु जब आए मनुष्य को देखा, मनुष्य के ऊपर दया आई और प्रभु ने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाए। हम जानते हैं कि पत्ते के वस्त्र कितनी देर रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन। प्रभु ने उनके लिए स्थायी वस्त्रों का इंतजाम किया और उनको ये बताया कि किस तरह से मनुष्य को पत्तों के कंपैरिजन में या तुलना में स्थायी वस्त्र बनाने चाहिए। उसके बाद आदम और हव्वा के बेटे हुए काइन और हाबेल नामक जो दो बेटे हुए उसमें काइन इस कारण उसने प्रभु को जो भेंट चढ़ाई वो विश्वास के साथ नहीं था, जबकि उसके छोटे भाई हाबेल ने जो भेंट चढ़ाई वो विश्वास के साथ था। प्रभु ने हाबेल के भेंट को
ग्रहण किया। कैन की भेंट को प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। इसमें कैन की गलती थी, लेकिन अपनी गलती को मानने के बदले अपने भाई से उसको जलन हुई और उसने अपने भाई की हत्या कर दी, निर्दय हत्या कर दी। प्रभु ने जब कैन को बुला के बोला कि देखो, तुमने अपने भाई, निर्दोष भाई का खून बहाया है और इस कारण कोई भी तुझे देखेगा तो तेरी हत्या करेगा। कितना प्रभु के सामने वो रोया, गिड़गिड़ाया। प्रभु ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हत्यारे हो, लेकिन तुम मेरे सामने रोए, तुम गिड़गिड़ाए, और इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और प्रभु ने कैन के बचाव के लिए उसको एक चिन्ह दिया। आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति 6 आते आते मनुष्य जाति इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि जिस तरह के विवाह उनको नहीं करने चाहिए उस तरह के विवाह बंधनों में वो लोग फंस गए। उन्होंने अपने आप को एकदम भ्रष्ट कर दिया। सिर्फ एक परिवार बचा था। उस परिवार को प्रभु ने एक बहुत बड़े पानी के जहाज के द्वारा बचाया। बचा के जब जल प्रलय वगैरह खत्म हो गया, तब उनको आज्ञा दी कि फलो फूलो, सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। बस फलने फूलने लगे तो प्रभु की इस आज्ञा का उल्लंघन किया और सारी पृथ्वी पर फैलने के बदले एक लीडर के नीचे एक ही जगह पर एक अति विशाल गुम्मट बनाकर उन्होंने रहने की योजना बनाई और गुम्मट भी बनाने लगे। ये भी परमेश्वर की आज्ञा का लंघन था। प्रभु ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, उनको सारी दुनिया में तितर बितर कर दिया, जिससे कि सारी दुनिया में फैलने के लिए प्रभु ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा का पालन हो। देखिए, प्रभु जब मनुष्य की सृष्टि करते हैं, मनुष्य को कोई आज्ञा देते हैं, तो उस आज्ञा के पीछे एक लक्ष्य होता है। मनुष्य उस आज्ञा का उल्लंघन करे तो प्रभु उसको न केवल सजा देते हैं, बल्कि प्रभु मानव इतिहास को इस तरह से नियंत्रित करते हैं कि प्रभु का जो भी मंतव्य है, प्रभु की जो इच्छा है, वो पूरी होकर रहे। मनुष्य सारी दुनिया में फैल गया और सारी दुनिया में फैल जाने के बाद हम देखते हैं कि बहुत जल्दी ही मनुष्य तमाम तरह की कुरीतियों में फंस गया। जब वो कुरीतियों में फंस गया, तब प्रभु ने एक प्रत्येक व्यक्ति को देखा कि वो भक्त है, वो ईश्वर की आज्ञा मानने को तैयार है, और इस कारण प्रभु ने इब्राहिम को बोला, चलो मैंने तुमको चुना है, मैं तुमको एक देश में ले जाऊंगा, उसके लिए अपने लोगों को छोड़ दो। उस जमाने में जब आजकल के समान पक्की सड़कें नहीं होती थी, वाहन नहीं होते थे, उस जमाने में वो अपने लोगों को, अपने परिवार को छोड़कर प्रभु की आज्ञा के अनुसार निकल के आगे बढ़ा। लेकिन इब्राहिम के जीवन में भी पाप आया, प्रभु ने उसको क्षमा किया। उसके बाद उसका पुत्र इसहाक हुआ, उसके जीवन में भी उसने लंघन किया, लेकिन प्रभु ने जो है उसको क्षमा प्रदान किया। उसका पुत्र याकूब जो है, उसके बारे में तो परमेश्वर के वचन में शुरू से ही कहा है कि वो धोखा देने वाला है। उसने अपने भाई को कम से कम 2 बार धोखा दिया, और वो भी छोटा मोटा नहीं, हर तरह के अनुग्रह से अपने भाई को वंचित कर दिया उसने, इस तरह से धोखा दिया। लेकिन प्रभु ने याकूब को भी क्षमादान दिया। ना केवल क्षमादान दिया, याकूब को इतनी कठिन स्थितियों से होकर गुजरने दिया जिससे कि वो एकदम से प्रभु की तरफ मुड़ गया, प्रभु का भक्त हो गया, और उसका जीवन एकदम से बदल गया और वो एक महान भक्त नायक बन गया। याकूब का पुत्र यूसुफ हुआ। यूसुफ के जीवन में हम किसी तरह के लंघन के बारे में नहीं देखते हैं, वो एक बहुत ही आदर्श पुरुष था। लेकिन याकूब के अन्य जो 11 पुत्र थे, उसमें से यूसुफ से बड़े जो 10 पुत्र थे, उनके जीवन में हम कई प्रकार के लंघनों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु ने उन सब के साथ दया दिखाई, उन सबको बड़े बड़े गोत्रों का पितामह बनाया और बहुत महान उन सबको नायक बनाया। तो उत्पत्ति में शुरू से लेकर आखिर तक हम ये 3 बातें देखते हैं। प्रभु मनुष्य को जो चाहिए उसका इंतजाम करते हैं। मनुष्य उन सब चीज़ों का भोग लगाने के बाद, शोषण करने के बाद, छोटे से छोटा अवसर मिलने पर प्रभु से बलवा करता है। बलवा करने पर
मनुष्य जो बोता है उसे काटने पर वो रोते गाते हुए प्रभु के पास जाता है। प्रभु पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को, पश्चातापी व्यक्ति को सजा देने के बदले उसके ऊपर अपनी करुणा की वर्षा करते हैं। तो उत्पत्ति की पुस्तक में बार बार हम ये देखते हैं। मेरे और आपके लिए आज उत्पत्ति की पुस्तक से जो सबसे बड़ा पाठ मिलता है वो पाठ ये है, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम कुछ भी नहीं हैं। दुनिया में हिम्मती से हिम्मती व्यक्ति, उसे भी मौत का सामना करना पड़ता है। कोई नहीं, हम में से कोई नहीं है जो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। हमारे जीवन में जो कुछ है वो प्रभु से मिला हुआ है, जो अनुग्रह है वो प्रभु के दिए हुए हैं, और प्रभु ने कुछ अनुग्रह तो स्थायी रूप से रखे हैं, जैसे पापी हो या धर्मी हो, दुष्ट हो या धर्मी हो, प्रभु के द्वारा निर्मित सूर्य सबको रोशनी देता है, पानी सबके लिए भोजन उगाती है, ये प्रभु की दया है, ये हमारी कोई योग्यता नहीं है। तो इस तरह से प्रभु ने मेरे और आपके लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था की है। हाँ, मेरे और आपके जीवन में कई बातों की घटी रही होगी, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कुछ ना कुछ घटी ना रही हो। मैं हिंदुस्तान के उस पीढ़ी का हूँ जब पर्याप्त भोजन नहीं था, राशन सिस्टम पहली बार सरकार ने लागू किया, राशन कार्ड और राशन सिस्टम, विदेशों से आयातित बहुत ही खराब किस्म का गेहूं इस राशन कार्ड की मदद से खरीद कर जीना पड़ता था। इस तरह की घटनाएं हम सबके जीवन में होती हैं, लेकिन हम इस बात को ना भूलें कि प्रभु की ओर से हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो प्रभु के अनुग्रह को दिखाती हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हम में से बहुत से लोग जीवन में एक छोटा सा मौका मिलने पर प्रभु से बलवा करते हैं, प्रभु को त्याग देते हैं या गलत चुनाव करते हैं। मेरे और आपके लिए उत्पत्ति का पाठ यही है, प्रभु से सब मिला, सबका भोग लगाया और उसके बाद मैंने बलवा किया, मेरी गलती है। मनुष्य जो बोता है वो काटता है, काटना ही पड़ेगा, लेकिन उत्पत्ति इस बात को हमें याद दिलाती है कि प्रभु महान और करुणामय प्रभु हैं, और इस कारण जब हमको अपनी गलती का एहसास होता है तो हमें तुरंत परमेश्वर के पास वापस जाकर प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि प्रभु अपनी करुणा हमारे ऊपर दिखाएंगे। लेकिन क्लोजिंग में एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कई बार लोग पूछते हैं कि यदि ऐसा है मनमाना जीवन जियो और उसके बाद जाके जो है प्रभु से माफ़ी मांग लो, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति पाप में फंसता है उसके मन में जब पश्चाताप आता है तो प्रभु अपनी करुणा उसके ऊपर दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ये भी याद दिलाता है कि यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती प्रभु से बलवा करने वाला और हठी हो जाए और जानबूझकर हर तरह के कुकर्म में और पाप में लगा रहे और प्रभु की करुणा को उसका दुरुपयोग करे, तो एक समय ऐसा आता है जब प्रभु उसको कठोर सजा देते हैं। तो प्रभु की करुणा जो है, करुणा असीमित है, लेकिन करुणा उनके लिए है जो जानबूझकर जबरदस्ती प्रभु के साथ बलवा नहीं कर रहे हैं। जो जानबूझकर करता है उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, और प्रभु कई बार उसको इवन नष्ट कर देंगे, मतलब उसको इस पृथ्वी से उठा लेंगे। तो उत्पत्ति का मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा पाठ यह है कि प्रभु से हमको जो कुछ मिला है उसको हम पहचानें, पूरे समर्पण के साथ जिएं, और यदि हमारे जीवन में कोई गलती हुई है तो तुरंत पश्चाताप करें और गलती मान लें। उत्पत्ति हमको ये बात भी याद दिलाती है कि प्रभु हमको हमारे पापों से और पाप की सजा से बचाना चाहते हैं। उसके लिए प्रभु जिस मुक्तिदाता को इस दुनिया में भेजना चाहते थे उसके लिए प्रभु ने हर तरह से इंतजाम किया जिससे कि मुक्तिदाता
एक यहूदी परिवार में जन्म ले, निष्पाप हो, निष्कलंक हो। तो उत्पत्ति हर तरह से, हर बात में परमेश्वर के इंतजाम के बारे में बताती है, और इसलिए जब भी हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तब हमारा दिल प्रभु के प्रति आभार से भर जाना चाहिए। अगली कक्षा में हम निर्गमन की पुस्तक के बारे में देखेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़े चरित्र को संजोए हुए है। प्रभु आपकी मदद करें।